मैडम। हाँ क्या हुआ? क्या कर रहे हो ये? मेरी गाड़ी के अंदर मेरे पैसे छूट गए, वही निकाल रही हूँ बस। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, चाबी से गेट खोल लो और निकाल लो पैसे। वो एक्चुअली वो बिल्डिंग है ना, उसके टॉप फ्लोर पे मेरा घर है, जब तक मैं चाबी लेकर आऊंगी इतने में क्या पता कोई शीशा तोड़ के मेरे पैसे निकाल ले। लेकिन मैडम ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे पैसे। मैडम एक काम करो, ऊपर से चाबी ले आओ, जब तक मैं ध्यान रखता हूँ गाड़ी का भी और पैसों का भी। अच्छा तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? इतने में गाड़ी की चाबी लेकर आऊंगी, इतने में तो तू ही मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर 9-2-11 हो जाएगा। तूने बेवकूफ समझा है मुझे? चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं मैडम, आप तो गलत समझ रहे हो। अरे मैडम मैंने सोचा अकेली लड़की है, परेशान हो रही है, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन आपने मुझे ही चोर समझ लिया। देखो मुझे मत समझाओ, इतने सारे पैसे देख कर ना किसी की भी नियत फिसल सकती है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे मैडम मेरे पास एक तरीका और है, जिससे अभी गाड़ी का लॉक भी खुल जाएगा और आपको ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा। कैसे? हाँ जी भैया। तेरे पास स्केल है? हाँ जी भैया जी है। ला दियो। तू मेरे से कल ले लियो। ठीक है भैया। इससे क्या करोगे? इससे मैं आपकी गाड़ी खोलूंगा, कई बार मैंने अपनी भी खोल ली है। नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद अपने पैसे निकाल लूंगी, तुम जा सकते हो। ठीक है। सुनो एक मिनट आना जरा। तुम सच में स्केल से गाड़ी खोल सकते हो? एक बार ट्राई कर सकता हूँ, कई बार मैंने खुद ही गाड़ी खोला है, क्या पता आपकी भी खुल जाए। ठीक है। खुल नहीं रहा क्या? नहीं इस गाड़ी का लॉक नहीं खुल रहा। अभी तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं खुल रहा देर से? मैडम मेरे पास एक तरीका और है, उससे आपकी गाड़ी का लॉक आसानी से खुल जाएगा। क्या तरीका? क्यों ना इसकी चाबी से लॉक खोल ले। मजाक कर रहा है क्या? और आपको ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा। कैसे? कहाँ भाग रही है, अपने पैसे तो लेती जा। शक्ल से चोर तो नहीं लगती। और क्या कह रही थी, ऊपर तेरा घर है? वो तो शुक्र है भगवान का मैं अपने पैसे लेने आ गया, नहीं अब तक तो तू हाथ साफ कर देती। प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, पैसे देकर मैं लालची हो गई थी। ये सब अब पुलिस को बताना। नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिए, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो मैं क्या करूं, वैसे भी ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है। और जिन लोगों के तुमने पैसे चुराए हैं पता भी है उन्होंने कैसे कमाए होंगे और किस काम के लिए रखे होंगे पैसे? तुम तो बस पैसे लेके निकल लेते हो, पता भी है उन पर क्या बीतती है? सॉरी। अब तो पुलिस को बोलना सॉरी वोरी।